किस हिसाब से, लिस्ट के मुताबिक दे रहे हो? नहीं नहीं, अंधेर नगरी चौपट राज है। बिल्कुल, वेरी गुड। अरे मक्खियां हैं, कोई सफाई सुथरा ही नहीं है। 500 में भेज रहे, इधर 600 में होगा, तो लिख आता है, ये लोग छुपा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी योर होस्ट वाजिद अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची का इलाका इतिहाद टाउन में। नाज़रीन, खैबर चौक के मनाजिर हैं और यहाँ पर हमारा आज के जो क्रैक डाउन का प्रोग्राम है बका टीवी पर, आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर मार्केट में जो सब्ज़ी है, फ्रूट्स हैं, गोश्त है, चिकन वगैरह हैं, उनके क्या प्राइजेज़ हैं, आया वो कमिश्नर कराची के उसूल के जो लिस्ट है, प्राइस लिस्ट है, उसके मुताबिक है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, बीफ के क्या रेट है भाईजान? 640 रुपए किलो। हाँ, 640 बगैर डीएडी वाला 540। अच्छा, ये कुछ सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते आप लोग? रखते हैं, क्यों नहीं रखते? हमें तो नज़र नहीं आ रहे मक्खियाँ हैं, कोई सफाई सुथरा ही नहीं है। अच्छा, ये जो कमिश्नर कराची के जो लिस्ट है वो है आपके पास? नहीं। क्यों? कोई देने नहीं आता। पुरानी है आपके पास कोई लिस्ट है? नहीं। यानी फिर जो रेट आप चला रहे हैं अपनी अपने उससे चला रहे हैं कोई? अपने अपनी मर्जी का चला रहे। कितने का रेट है मुर्गी का? 360 आज के जो प्राइस है। अच्छा, हम जिस दुकान पे भी जाते हैं तो हम लिस्ट उनसे मांगते हैं ना, कमिश्नर कराची के या डिप्टी कमिश्नर के, वो लिस्ट है आपके पास? यहाँ लिस्ट देने वाला नहीं आता कोई। अच्छा, यहाँ लिस्ट देने वाला नहीं आता। अच्छा, रेट जो हमारे मुताबिक है 214 रुपए, आप 360 के क्यों देते हो? पता नहीं है, भाई ने रेट लगाया। दूध 130 का है? 130 का जी। तो रेट तो 100 रुपए लीटर है कराची कमिश्नर कराची के। अभी तो इधर तो बाड़े वाले तो हमारे को यही रेट से दे रहे हैं। आपके पास कमिश्नर कराची या डिप्टी कमिश्नर की कोई लिस्ट मौजूद है जिस पे आप आवाम को दूध देते हैं? नहीं है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, टमाटर के क्या रेट्स हैं और आलू के, प्याज के? जी सर, आलू 40 रुपए किलो और टमाटर 30 रुपए किलो, 50 का 2 किलो। भिंडी जो है ना, भिंडी का अभी सीज़न नहीं, तो 320 रुपए किलो है। अच्छा बेटा, ये तो सवा माशाल्लाह से तमाम चीज़ें हैं, आप हमें कमिश्नर कराची या डिप्टी कमिश्नर की जो प्राइस लिस्ट है वो है आपके पास? वो सर सिर्फ रमज़ान में आती है। नहीं, वो तो डेली बेसिस पे आती हैं। लेकिन हमारा सिर्फ रमज़ान में मिलता है। अच्छा, आपको यहाँ अभी आपके पास कोई लिस्ट मौजूद नहीं है? अगर एक जगह में चीज़ 500 का मिल जाए तो दूसरा बंदा जो है ना वो 600 का बेच, वो पूछने वाला कोई नहीं है। तो असल बात ये है, एक चीज़ है वो 500 का, वो आगे 500 में बेच रहे, इधर 600 में होगा, तो लिस्ट आता है, ये लोग छुपा रहे हैं। तो इनकी जो है ना, हमारा सन का जो कमिश्नर, यानी जो इतिहाद टाउन, ये जो खैबर चौक का इलाके, किसी के पास कोई लिस्ट नहीं है? लिस्ट आ रहे हैं, मैंने खुद देखे हैं, मगर ये लोग जो है ना छुपा रहे हैं। तो ये जो चोर है ना, ये खुद ब खुद ही अल्लाह के हुक्म से मारे जाएंगे। आपके पास क्या हाल है इसका? आपके पास सिंध के वज़ीर-ए-आला से मैं खसूसन ये अपील करता हूँ कि खुदा के लिए, अगर के आप मुसलमान नहीं भी होंगे तो इंसान तो होंगे ना, तो इंसानियत के तौर पे आगे इंसानों का ख्याल करें। ज़राए ने हमें बताया था कि इतिहाद टाउन खैबर चौक पर जो फ्रूट वाले, गोश्त वाले, चिकन वाले, किसी के पास कोई दूध वाले, किसी के पास कोई भी हुकूमती कोई भी लिस्ट मौजूद नहीं है। ये एक महंगाई तो एक अलग एक इशू है, लेकिन कंक्लूजन यही है कि आवाम भी पूछे कि जी हमें हुकूमती लिस्ट चाहिए। जिस पेट्रोल को हुकूमत बढ़ाती है, कम करती है, इसी तरह हर चीज़ पर हुकूमती टीमें मौजूद हैं, अमला मौजूद है। तो मैं जी सिंध गवर्नमेंट को ये दिखा सकता हूँ, कमिश्नर कराची एंड डिप्टी कमिश्नर, कि वो यहाँ पर आएँ और अपने अमले को ये एक्टिव करें कि आवाम को रिलीफ मिले, गरीब आवाम को। यहाँ बहुत गुर्बत है, महंगाई है, तो इसका हल यही है कि हुकूमती टीम अगर यहाँ नहीं है, और अगर है तो वो एहसन तरीके से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। कैमरामैन सदाम के साथ वाजिद अली खान, बका टीवी, कराची।